नमस्ते चले टच दिले, आप सभी का ट्रैवल गर्ल में फिर एक बार स्वागत है। तो जी हाँ, इस वक्त हम हैं चंडीगढ़ में और हम यहाँ आए हैं अक्सा ऑल किन्नौर स्टूडेंट एसोसिएशन के तोशिम प्रोग्राम में। अक्सा ने मुझे बतौर अतिथि वक्ता यहाँ पर आमंत्रित किया है और जैसा कि आप सभी को मालूम है कि तोशिम का जो प्रोग्राम है वो हम सभी किन्नौरियों को एक अवसर प्रदान करता है कि किन्नौर से इतनी दूर हम एक दूसरे को अच्छे से जान पहचान सके और साथ ही साथ जो हमारी किन्नौरी संस्कृति है उसको संजोए सके। तो ये जो तोशिम का प्रोग्राम है ये होने वाला है अभी कुछ ही देर में और हम यहाँ से निकलने वाले हैं। तो चलिए आप सभी को भी ले चलते हैं अक्सा के तोशिम प्रोग्राम में। गुड आफ्टरनून, नमस्ते, तशी दिले, तशी जुले टू एवरीवन। It's my pleasure to extend a warm and enthusiastic welcome to all of you on behalf of our Aksa family. Your presence makes this event even more special and we're grateful to have each and every one of you here. I'm Anushka Mehta and I'm Divyanshi Thakur. It's an honor for us to be here today as the anchors for this event. As you all know, today is a very special day for all of us as we gather here to celebrate our love and respect for our culture by showcasing this event called Toshim. Now, I express my hearty gratitude to our chief guest, Mr. Heer Bhagat Negi Ji, for gracing the event with their presence. He is a commissioner of Central GST in Jammu and Kashmir. I welcome our guest of honor, Mr. Padamlal Negi Ji, who is a joint secretary in civil aviation, and Mr. Kriparam Negi Ji, who is a retired IG from ITBP. We express our warm regards to our special guest, Mrs. Kamini Negi Ji, who is the Assistant General Manager in Food Corporation of India, and Mr. Devasen Negi Ji, who is the Divisional Manager in Himachal Road Transport Corporation. I show my hearty gratitude to our guest speaker, Ms. Amita Negi Chorgia, who is a famous social media influencer known as Tribal Girl, and Mr. Mahesh Ranseru, who is an educator and former founder of Kyang and Om. Thank you.
Now, I would like to address our next guest who, with her hard work and great content, has showcased her culture and her traditions through the medium of YouTube to the whole India and helped our own new generation to explore more about our culture in the time where we keep forgetting about our culture importances and from where we belong. You remind us how rich and beautiful our culture is. So I would like to call Miss Amita Negichorgia, aka Tribal Girl, to come up on stage to share her kind words with a huge round of applause. Namaste, Julie Tashidule. यहाँ उपस्थित सभी अतिथिगण और आप सभी को मेरा सादर प्रणाम और धन्यवाद करना चाहूँगी ऑल किन्नौर स्टूडेंट एसोसिएशन अक्सा का, जिन्होंने मुझे बतौर अतिथि वक्ता यहाँ पर पधारने का सुअवसर दिया। शुरुआत करना चाहूँगी मैं अपने परिचय से। जैसा बताया गया, मेरा नाम अमिता छोरकिया नेगी है और मैं गांव लाबरिंग की रहने वाली हूँ और वर्तमान में मैं एक यूट्यूबर हूँ। तो मेरी जो वीडियोज़ है वो मैं बनाती हूँ हमारी किन्नौरी कला संस्कृति, किन्नौरी वेशभूषा, हमारी लोक कहानियाँ, कृषि और साथ ही साथ हमारा जो खान पान है और जीवन के जो तौर तरीके हैं हमारे किन्नौर के, उसे बाहरी दुनिया के साथ साझा करती हूँ। जो हमारी किन्नौरी संस्कृति है उसे संजोने और उसे प्रिजर्व करने की जो प्रयत्न है वो मैं अपनी वीडियो के द्वारा कर रही हूँ। अगर आज हम बात कर रहे हैं संस्कृति को बचाने की, तो सबसे पहले संस्कृति को बचाने से पहले संस्कृति को जानना बेहद ही ज़रूरी है। जैसे कि हम बचपन से ही बाहर पढ़ते हैं, हमारे स्कूलिंग बाहर है, हमारी यूनिवर्सिटीज बाहर है और साथ ही साथ हमारे जो नौकरियां हैं वो भी बाहर होती हैं, तो बहुत ही कम अवसर मिलता है हमें अपने गांव में जाने का, हमारी संस्कृति को करीब से जानने का। और इस मामले में मैं अपने आप को बेहद ही खुशनसीब मानती हूँ कि मैंने जो निर्णय लिया है कि मैं अपने किन्नौर में रहकर अपनी संस्कृति को करीब से जानूंगी और साथ ही साथ उसे आप सभी के साथ साझा भी करूंगी। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारी जो संस्कृति है, जो अतुल्य किन्नौरी संस्कृति है, वो बेहद ही खूबसूरत है। जैसे कि मैं अपनी वीडियोस में भी कोशिश करती हूँ कि बताने की, तो एक लाइन है वो मैं अपनी वीडियो के ज़रिए जो आप लोगों से साथ अभी साझा करना चाहती हूँ। किसको अच्छा नहीं लगता, किसको अच्छा नहीं लगता शहर की भीड़ भाड़ से दूर एक सुंदर से गांव में जीवन व्यतीत करना, सबको अच्छा लगता होगा। पर यहाँ पर जीवन व्यतीत करना उतना आसान नहीं है, यहाँ पर हर रोज एक नई चुनौती का सामना करना पड़ता है। हमारे किन्नौरी लोग जितने मेहनती हैं उतने खुश भी रहते हैं और पहाड़ों में जीने का तो यही मंत्र है, खुश रहो और मेहनत करो। और हो भी क्यों ना, पहाड़ी जिंदगी का तो एक अलग ही मज़ा है। तो जब तक आप किन्नौर में नहीं रहते हो, किन्नौर से आप बाहर, मतलब किन्नौर में जब आप रहते हो, तब धीरे धीरे करके उस संस्कृति को समझते हो और उससे जुड़ते हो। और मेरा मानना यह है कि जिस तरह धर्म को हम किसी के ऊपर थोप नहीं सकते, उसी तरह हमारी संस्कृति भी है। हम किसी को ज़बरदस्ती नहीं कह सकते अपनी संस्कृति को अपनाने के लिए। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ यहाँ पर जितने भी उपस्थित लोग हैं, हम सब में जो किन्नौरी संस्कृति है वो कूट कूट कर भरी है। और अभी गणमान्य अतिथिगण जितने भी यहाँ पर मेरे सामने उपस्थित हैं, उनका भी मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगी कि किस तरह से उन्होंने हमारी किन्नौरी संस्कृति को आज भी संजोए रखा है। हमारे सरकारी पदों पे, उच्च पदों पर आज विराजमान है, वो आज भी हमारी संस्कृति से उतने ही जुड़े हैं और हम युवाओं को उनसे सीखने की ज़रूरत है, उनसे समझने की ज़रूरत है कि किस तरह वो हमारी संस्कृति को आज भी बखूबी भी निभाए रखे हैं। आप लोगों से मैं पूछना चाहूँगी, आप लोगों में से कितने लोग हैं जिन्होंने अपनी दादी या नानी से लोक कहानियाँ सुनी होगी, आप बताएंगे? आप हाथ खड़ा करके बता सकते हैं। तो अभी मुझे बहुत ही कम लोग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं जिन्होंने अपनी जो लोक कहानियाँ हैं वो सुनी हैं। तो मुझे लगता है कि जो लोक कहानियाँ हैं वो हमारे लोक जीवन का एक आधार है।
जो हमारी संस्कृति है उसे बताते हैं, और हमें अपने बड़े बुजुर्गों से बातचीत करना, उनकी जो हम उनका जो पास्ट है, किस तरह से उन्होंने कड़ी परिश्रम करके, स्ट्रगल करके यहाँ तक आज हम इस जगह पर पहुँचे हैं, इस मुकाम पर पहुँचे हैं, तो वो हमारे पूर्वजों की ही देन है। आज हम जो बात करें हमारी संस्कृति की, तो हमारी जो संस्कृति है वो हमारे इन पहाड़ों से है, हमारे पर्यावरण से है, हमारी प्रकृति से है। आप सभी जानते हैं किस तरह से पूरे किन्नौर में जो है कुप्रयोजित जल विद्युत परियोजनाएं अपने पैर पसार रहे हैं, और मैं साथ ही साथ अपने अतिथि वक्ता महेश रुनसिडु को भी धन्यवाद करना चाहूंगी कि किस तरह से वो एक अवेयरनेस जो है, अवेयरनेस कैंपेन जो है क्यांग नाम से पूरे किन्नौर में फैला रहे हैं, और सभी जो युवा है वो भी इससे जुड़ रहे हैं। तो मैं चाहूंगी एक किन्नौर एक आवाज का जो नारा है वो दूर दूर तक और जन जन तक पहुंचे। अंत में मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहूँगी, मेरा जो काम है वो मैं अपने वीडियो के ज़रिए आप सभी के साथ साझा करती हूँ। आशा करती हूँ इसी तरह जो अपना प्यार और आप लोगों ने जो सपोर्ट दिखाया है ट्राइबल गर्ल में, वो आगे भी दिखाते रहे, और आगे भी इसी तरह जो हमारी किन्नौरी कल्चर है, जो हमारी अतुल्य किन्नौरी संस्कृति है, उसे संजोए रखने में हमारा साथ दे। और एक और वाक्य मैं आप लोगों के साथ अभी साझा करना चाहूँगी, जो मैं अभी थोड़ा पहले भूल गई थी साझा करना, कि जो हमारी किन्नौरी जो वेशभूषा है, मुझे नहीं लगता कि ऐसी वेशभूषा, इतनी सुंदर वेशभूषा हम कहीं देखने को मिलती है। पूरे हिमालयन रीजन की अगर बात करें तो लाहौल स्पीति है, हमारे लद्दाख है, हम सभी जो हैं एक दूसरे के प्रतिपूरक है। और हाल ही में स्वतंत्र भारत की राष्ट्रीय स्मारक इंडिया गेट के समक्ष मैं हमारी किन्नौरी परिधान में जब गई, तो ये महसूस हुआ मुझे कि हम संस्कृति से नहीं है बल्कि संस्कृति से हम है, संस्कृति ही हमारी पहचान है। और अंत में मैं कुछ पंक्तियों से इस अपने शब्दों को विराम देना चाहूंगी। खोल दो पंख मेरे, कहता है परिंदा, अभी और उड़ान बाकी है, जमीन नहीं है मंजिल मेरी, अभी पूरा आसमान बाकी है। धन्यवाद। मौजों की रवानगी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी, हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे, अगर आपकी तालियों की मेहरबानी बनी रहेगी। तो स्क्रीन में आप ये तस्वीर देख पा रहे होंगे, मेरा नाम महेश नेगी है, मैं एक एजुकेटर हूँ और एक किसान भी। मैं आपके सामने एक प्रेजेंटेशन के साथ आया हूँ, एक प्रेजेंटेशन जो आपको अपने कल्चर के बारे में बात करती है, एक प्रेजेंटेशन जो किन्नौर के दो चेहरों के बारे में बात करती है। ये वाइल्ड लाइफ है जो हमारे किन्नौर में है, ये आईबैक्स है, ये हमारे पास जो न्यूजे का एक फल है, ये हमारी देवता है, ये हमारी फेथ है, ये तस्वीर कसुरा जी की है, ये तस्वीर लोसर के अंदर एक फेस्टिवल हो रहा है, लोसर फेस्टिवल के अंदर इवेंट हो रहा है, ये उसकी तस्वीर, हमारी आस्था इन चीज़ों में है। हमें किन्नौर का एक वो हिस्से में ले जाना चाहूँगा आपको, जिस पर लोग बात नहीं करते, ना आप ना मैं ना कोई भी नहीं, शायद बात नहीं करना चाहता, क्योंकि ये हिस्सा किन्नौर का देखने में सुंदर नहीं है, ना मेरे लिए ना आपके लिए। ये डिफॉरेस्टेशन हो रहा है, जब आप और मैं यहाँ बढ़िया बढ़िया ठंडी ठंडी जूस पी रहे हैं, या हम यहाँ पर कोफ्ते खा रहे हैं, या कुछ भी खा रहे हैं, तो किन्नौर के एक गांव में 700 पेड़ों को काटा जा रहा है इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और ये जो पेड़ों को काटा जा रहा है, ये चिलगोजे के पेड़ है, सिर्फ इन पेड़ों को नहीं काटा जा रहा, हमारी सभ्यताओं का भी गला घोटा जा रहा है। ये पावर प्रोजेक्ट है, वी आर नॉट अगेंस्ट डेवलपमेंट, वी आर नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, द पॉइंट इस तरह के पावर प्लांट जो किन्नौर के अंदर कंटिन्यूसली बनाए जा रहे हैं, ये प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन पैदा कर रहा है। जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो किन्नौर पूरे हिमाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर रहा है, यानी 3000 मेगावाट,
और उस 3000 मेगावाट में से जो किन्नौर की अपनी खपत है सिर्फ 50 मेगावाट, तो हम मेजॉरिटी ऑफ द शेयर नेशनल इंटरेस्ट और स्टेट इंटरेस्ट के लिए दे रहे हैं, पर उसके बावजूद भी कॉन्टिन्यूसली प्रोजेक्ट्स किन्नौर के अंदर बनाए जा रहे हैं जो लैंडस्लाइड जैसे कॉजेस चीज़ों को प्रमोट कर रहा है। हमारे पास ऐसे गांव हैं, हम पीछे ही अभी करनाल जा गया है, जहां पर लोगों को अपने घरों से विस्थापित होना पड़ा। नो मीन्स नो, सेव किन्नौर, सेव सतलुज, सेव नेचर कैंपेन रन करे दैट कॉल नो मीन्स नो। These are the people from different age group. They are representing Kinnaur and protesting against the power project. क्या आप देख पा रही है क्या लिखा है ये? क्या लिखा है ये? I love Kinnaur. हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम I love, we love Kinnaur, we all love Kinnaur. But सिर्फ क्या Kinnaur को प्यार करने से Kinnaur कट हो जाएगा? मैं एक सवाल के साथ आपको छोड़ रहा हूँ यहाँ पर और इस presentation को end करूँगा। आपको किस तरीके का Kinnaur चाहिए? ये आपकी choice है। ये कैसी तेरी आरज़ू, ये कैसी तेरी ख्वाहिश, तुझी से देखूं मैं शुरू तेरी फरमाइश। होना था प्यार हुआ मेरे यार, होना था प्यार हुआ मेरे यार, आए नजर ये टोकन जुबान पे टोकन